गिरिडीह में बैसाखी का पर्व काफी धूमधाम से मनाया गया। बैसाखी को लेकर गिरिडीह के प्रधान गुरुद्वारा में पिछले 48 घंटे से चल रहे अखंड पाठ का समापन भी हुआ और साथ ही स्थानीय रागी जत्था ने शबद कीर्तन भी किया, जिसमें काफी संख्या में सिख समुदाय के भक्तों के साथ साथ सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू समेत कई महिलाएं, पुरुष, युवा और बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। शबद कीर्तन के बाद गुरुद्वारा में लंगर का आयोजन भी हुआ। मौके पर प्रधान गुरुद्वारा के प्रधान सेवक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने बताया कि पर्व को सिख समुदाय के लोग इस साल भी काफी उत्साह से मना रहे हैं। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज बड़ी ही खुशी, बड़े ही उत्साह, बहुत ही श्रद्धा के साथ हम लोग बैसाखी पर्व मना रहे हैं। ये पर्व हम लोग इस उत्साह से मनाते हैं कि इसी दिन सिख धर्म में एक जो स्वरूप हम लोग को दिया गया है, इस स्वरूप की सृजना हुई थी और हमें इस रूप में सजाया गया था कि हम लोग सिपाही हैं, जिसमें कि ये पगड़ी, ये सब ड्रेस जितनी हमारी आप देखते हैं, या पांच ककार, ये हमें दिए गए थे। इसे हम लोग एक वीरता की निशानी को मानते हैं कि हम लोग सिपाही के रूप में एक सजे हुए स्वरूप में नज़र आते हैं और इस धर्म के किसी को और विस्तार देने के लिए, एक एक आदमी पहचान में आए, एक पहचान देने के लिए, इस धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए इस दिन ये कार्यक्रम हुआ था। ये अनंतपुर साहब में 13 अप्रैल 1699, यानी कि आज सिर्फ 325 साल पहले ये स्वरूप दिया गया और इस स्वरूप में आप सारी दुनिया में लोगों को देख सकते हैं। हम लोग ये बड़े उत्साह इस पर्व को मना रहे हैं, जिसमें कि सिख इतिहास, गुरबानी कीर्तन और सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। परसों अखंड पाठ की प्रारंभता हुई थी, जिसकी आज समापन हुई है और सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और अभी गुरु के लंगर के साथ इसकी समाप्ति होगी। इसमें सभी लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, अभी विधायक जी भी पहुँचे हैं। हमें बहुत खुशी है कि आज सभी लोग, सारे समुदाय के लोग इसमें शामिल हैं।